सोने के बाद सीधा बकलोलपंती स्टार्ट कर देता है घर वालों के साथ। पे व्यवस्था सोने वाला कुछ यूं था, लकड़ी पे सोए हुए थे, ये दूसरे ऊपर छोड़ रखे हैं क्या मम्मी? मम्मी तो ये सब गलत है ना मम्मी? चलना की बिल पे कुछ पता? देखो भगने के चक्कर में गिर गई ना। आज घरे रुकला का मतलब कि पूरा भैंस वैंस बहाना अच्छा से। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज की व्लॉग की शुरुआत सुबह के 6 बजे हो रही है। तो आज मैं एकदम सुबह ही सुबह भाई साहब 3 बजे उठ के आया था मोटर लेके पानी चलाने के लिए, और फिर सुबह से भी इस टाइम में टेबल पे ही हूँ भाई। आज माथा खराब हो गया, सुबह 3 बजे उठ गया तो माथा पूरा चक्कर जैसे आ रहा है, क्या बोलूँ। तो इधर देख सकते हैं व्यवस्था सोने वाला कुछ यूँ था, लकड़ी पे सोए हुए थे ईंट नीचे से लगा के, पानी वानी भी नहीं हुआ भाई, लाइट भी कट गया 5 बजे, 1.5 घंटे में खेती नहीं हुआ। और धान को रुकवाना था भाई साहब, और पता पानी नहीं लगा तो ट्रैक्टर वाला जोत ही नहीं सकता। अब आज लाइट आवेगी 8 बजे, तो 8 बजे फिर से लेव लगेगा, बोले तो लेव ही लगेगा। मेरी वो कांडा इधर खड़ी है, और पता है अभी ठंड का मौसम धीरे धीरे आ रहा है गाइस, वो ऐसा वगैरह पड़ता है वो पड़ रहा है धीरे धीरे, तो पूरा पानी वानी लग रहा है धूप जो घास वगैरह होता है। सो हेलो जी, अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और अब जा रहे हैं थोड़ा सा ब्रश अगर नाश्ता करने के लिए, और मैं चल रहा हूँ यहाँ से सीधा ब्रश करता हूँ फटाफट। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मत सानी कब आएगी तू। क्या हीरो किधर जा रही है? ये देखो ब्रश रखने का सबसे सस्ता जुगाड़, कोई पैसा नहीं लगता, यहाँ पे खास दो और सुबह हैंड पाइप पे जाते ही निकाल लो तुरंत। हमरी से परनीत आ जाओ ना तो सही, ऐसी मन की है सच्ची तुम हो सितारों के परे हुई गलती। ब्रश हो गया, ब्रश करने के बाद अपने को खाने के लिए तोड़ना है 2-4 अमरूद। इधर पीछे अमरूद का पेड़ है ना, अमरूद से 2-4 अमरूद तोड़ना है। तो ये इधर टूट गया ये वाला, इसको धोना भी नहीं पड़ेगा, ये तो पेड़ से तुरंत निकला और मुंह में। ये देखो भाई थोड़ा रेड हो चुका है, एक यहाँ से मैंने तोड़ा। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज खाने के लिए लगी हुई है, और कब तक चलना है टेबल पे कुछ पता? देखो भगने के चक्कर में गिर गई ना। अब तुम बताओ, बुक पे हाथ रख के बताओ कैसे गिरी थी? अचानक से गिर गई कि गिरने के बाद गोबर में भी मुंह पड़ा था उसका? तो अभी फिर से गाइस आ चुके हैं ट्यूबवेल पे, अब जा रहे पापा के पास। क्या देखती हो चेहरा मेरा? तो गाइस पापा इतना उखाड़ के बांध बंधन ना ही अका, आखिर कैसे, मतलब कैसे ये सब कैसे होता है? ये दूसरे के ऊपर छोड़ रखे हैं क्या मम्मी? मम्मी तो ये सब गलत है ना मम्मी? ये सब ना इंसाफी है। बात देखो गाइस, पापा सब धान का बीज उखाड़ कैसे ही छोड़ दिए हैं, और मम्मी का सब देखो इतना इतना लेके बांध रखती है, जितना उखाड़ी उतना बांधी, पापा जितना उखाड़ उतना रखे, ऐसा वाला सिस्टम है हमारे पास। सबसे बेस्ट वाला मूवमेंट होता है ना वो गाँव देहात विलेज में ही मिलता है, समझ रहे हैं आप? गाँव देहात में जितना मस्त मस्त मूवमेंट होता है अब इधर ही मिलता है, वो भी सावन के टाइम। तो हम तीनों जना के बीच आ चुके हैं एक और वीर योद्धा भानु प्रताप यादव जी, तो यहाँ पे ये बहुत दिनों के बाद आए हुए हैं काम करने के लिए खेतों में, मतलब ये धान उखाड़ने वाला। दिन के 10 बज चुके हैं और इतना ज्यादा टकला गर्म हो चुका है ना, मतलब का ही बोले, बहुत फुल पावर में गर्म हो चुका है। और आज भी ये सबसे ज्यादा उखाड़े हैं, ये देखो यहाँ से लेकर वहां तक। तो गाइस इतना कुछ बिया उखाड़ रखे हैं, कुछ तो बिया चला गया दूसरे खेत में रखने के लिए पानी में, ताकि वो सूखे ना। इधर पापा बिया को बिटोर को लेके जा रहे हैं सामने वाले खेत में, और मैं दिखाता हूँ इनको, इनसे मिलिए सीटू जी से। ये हमारा कुत्ता है, पालतू कुत्ता। एक इसके बारे में खास बात बताता हूँ, इसको 4 साल से 4.5 साल हो गया, और कभी भी हम लोग खेत में आते हैं तो जब तक हम लोग खेत में आते हैं और जब तक घर नहीं जाते हैं, भले ही कितना तगड़ा धूप हो जाए, भाई साहब हम लोगों के साथ बैठा रहता है। मतलब सोचो भाई 10 बज रहा है दिन के और इतना तगड़ी वाली धूप, कभी इधर हो रहा है तो कभी इधर बैठ रहा है तो कभी इधर बैठ रहा है। अभी देखो इधर बैठा था, इधर धान को सब छितर बितर कर डाला है, फिर अभी इधर बैठा। अमृत खाने के लिए तुम भी चले आती हो घर के पीछे ना? ये रे गाइस कितना सारा अमृत यहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे, इतना सारा अमृत पड़ा हुआ है ना, सुबह इस पे खाए, इतना ज्यादा अमृत मार रखे ना, मैं गिनता हूँ कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 भारत, 13, 14, 15, 16 16 अमरुद तोड़ रखी है मेरी माँ। तो गाइस मेरी मम्मी जा रही है अमरुद को धोने के लिए, अच्छे से रगड़ के धोना उसको,
यहाँ मेरी मम्मी बाल्टी में धोने वाली है। अमरुद धुल गवा, इधर देखो अमरुद आ चुका है, इधर पैसुल आ चुका है, ये काटने वाला होता है ठीक है। ये वाला देखो कितना टेढ़ा मेढ़ा है। हमारे गांव देहात में ऐसा ही होता है, चक्कू वक्कू नहीं होता है, सब यही काटने वाला होता है पैसुल। तो यहाँ पे नमक है कुछ इस तरीके के डिबिया में, और इधर मम्मी बैठ चुकी है गिलास में पानी लेके, काटेगी मैं खाऊंगा। मेरी माँ इतना काट के मेरे को रख के चली गई। मम्मी को ना फैन के पास बैठना था, भैया मेरे को तो बैठना है कहीं पे भी बैठ सकते हैं, इस छप्पर के नीचे बैठ जाएंगे तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, बट मम्मी को जाके फैन के नीचे बैठना था, तो बस मम्मी चली गई फैन के नीचे और मेरे को इतना सारा अमरुद काट के रख रखी है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। तो अभी सो के जस्ट उठ गया ये बंदा, और क्या बोलू यार गाइस, ये देखो बंदर इस शकल आया पढ़ के स्कूल से और सीधा सो गया। सोने के बाद सीधा बकलोलपंती स्टार्ट कर देता है घर वालों के साथ। अच्छा लो, अपने मुंह से कबूल कर दिया, इसने कबूल कर दिया, अल्लाह कबूल है। और इधर मेरी जो छोटकू वाली बहनी है, छोटकू वाली बहनी देखो घर झाड़त है, चूल्हा वाला है ना, सब चूल्हा चाकी करत है सब, क्या बोले यार। अब देखते ही सब फरार हो गई। बोले चल देखा देते हो, बोले मेरा लगाओ। ऐसा बात है क्या दोस्तों, चलो दिखा दो। आज घरे रुकला का मतलब कि पूरा भैंस वैंस बहना अच्छा से, खियावा पियावा ओकरा बाद। गाइस अभी जा रहे हैं मम्मी का जो है कि ना खांची उठाने। अब हेमलोजी तो मैं यहाँ पे उतर चुका हूँ, और यहाँ से मेरे को सीधा एक लाइन लेके जाना है, इस लाइन से बना ले, और इसी लाइन से एक छोटा सा नहीं बड़ा सा मेड़ बनाना है, मेड़ समझ रहे हो आप लोग। तो इस लाइन में पैर धंस रहा है और मैं चल रहा हूँ, इसी को आज शाम तक बनाऊंगा। पापा बता दिए ना, ऐसे ऐसे खींचते हुए चला जा पैर से, ऐसे पैर से खींचते हुए चला जा, मैं पैर से खींचते जा रहा हूँ। तो अभी शाम के 6 बज चुके हैं और ये सनसेट कुछ इतना दिखाई दे रहा है, और जो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे अपने तरफ से, तो इधर से मैंने कंप्लीट कर रखा है, और जो हमारा छोटा भाई है ये इधर से कंप्लीट कर रहा है, आधा कंप्लीट किया है। अभी साइड का कहीं कहीं गैप है तो इसको भी भरना पड़ेगा मिट्टी से।